अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाकेट। आज आपके लिए इस गाड़ी का रिव्यू लेके आए। ये टोयोटा फील्डर है, 2015 मॉडल है और 2021 के भी रिसेंटली इंपोर्ट है। आज आपको इस गाड़ी की फुल डिटेल लेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको इस गाड़ी की फुल डिटेल मिले। सबसे पहले इसकी हेडलाइट को पाते हैं तो आप इसकी हेडलाइट का डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पर साइड टर्न सिग्नल मौजूद है और फ्रंट ग्रिल की तरफ आते हैं जो पे आपको ब्लू हाईलाइट नज़र आए तो आप समझ जाएंगे भाई ये हाइब्रिड गाड़ी है। और फ्रंट ग्रिल की तरफ बात करें तो पियानो ब्लैक के साथ जो ये क्रोम की लाइनिंग दी गई है काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है फ्रंट से। इसको फ्रंट से आप फुल लुक देख सकते हैं। यहाँ पे फॉग लाइट इंस्टॉल नहीं है, वैसे यहाँ पे स्पेस दी गई है, क्लाइडिंग है यहाँ पे ब्लैक कलर की। और कलर की बात करें तो डार्क ब्लू कलर में है जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है गाड़ी फ्रंट से। आपको फुल फ्रंट से लुक दिखा देता हूँ जो कि आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। साइड की तरफ चलते हैं तो इसके सबसे पहले अलॉय व्हील्स की बात करते हैं तो आप पहले अलॉय व्हील का डिज़ाइन देखें। ये डार्क ग्रे कलर में मौजूद है जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करते हैं इस कलर के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा, अलॉय व्हील्स की बात करते चलें तो 14 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। और अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करें तो 175/70R14 ये है इसकी टायर प्रोफाइल। और इसमें ब्रिजस्टोन के टायर इंस्टॉल हुए हैं। और यहाँ पे आ जाएं तो आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिलेगी, इसका मतलब गाड़ी हाइब्रिड है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको एवरेज और पावर दोनों चीज़ अच्छी मिलने वाली है इस गाड़ी में। साइड टर्न सिग्नल देख सकते हैं, ORVM पे डुअल टोन में है ब्लैक और बॉडी कलर में। डोर ओपनर और ऊपर आपको क्रोला के एयर पैस इंस्टॉल मिलेंगे। 14 इंच के अलॉय व्हील्स, यह कुछ इसकी साइड प्रोफाइल। इसके जो ग्लास हैं आप देख सकते हैं प्राइवेसी ग्लास में दिए गए हैं बैक विंडोज़। और यह है कुछ इसकी बैक से लुक। सबसे पहले इसकी टेल लाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं LED में मौजूद है और काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है ये साइड टर्न सिग्नल। और बैक स्क्रीन की बात करें तो ये प्राइवेसी ग्लास में मौजूद है, बैक पे वाइपर दिया गया है। ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, एंटीना। और यह है कुछ इसकी फुल लुक। यहाँ पे आपको हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव की बैजिंग मिलेगी। क्रोला फील्डर और तलहा मोटर जिन्होंने हमें गाड़ी प्रोवाइड की रिव्यू के लिए, फुल लुक जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। बैक बम्पर पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर मौजूद है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको रियर व्यू कैमरा ही मिल जाएगा। चलें इसके बूट स्पेस को ओपन कर लेते हैं जो कि आप देख सकते हैं इसका बूट स्पेस। चलें इसको यहाँ से ओपन करके देखते हैं। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं स्पेयर व्हील मौजूद है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छी स्पेस मौजूद है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर आप सीट फोल्ड करना चाहते हैं तो आप इजीली सीट्स को ही फोल्ड कर सकते हैं जिससे आपकी जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे हुक भी दी गई हैं जिसमें आप 4 kg तक कोई भी वेट इस पर डाल सकते हैं। और काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मौजूद है। चलें इसके ट्रंक को बंद कर देते हैं। इस तरफ आते हैं तो आप सबसे पहले विंडो देख सकते हैं जो कि प्राइवेसी ग्लास में एयर प्रेस इंस्टॉल है। और चलें इसका बैक डोर ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यह कुछ इसके डोर की लुक। सबसे पहले डोर ओपनर, उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है ब्लैक और ग्रे के साथ जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे इसकी विंडो की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑटो दी गई हैं चारों विंडोज़। नीचे बॉटल होल्डर, स्पीकर और यह कुछ इसकी सीट्स जो कि फैब्रिक मौजूद है और काफ़ी कम्फर्टेबल है। बैक पे आपको आइसोफिक्स के माउंट भी मिल जाएंगे, उसके साथ साथ सीट बेल्ट मौजूद है, आर्मरेस्ट दी गई है। पीछे 3 आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बंद करते हैं, फ्रंट डोर की तरफ आते हैं तो फ्रंट डोर को ओपन कर लेते हैं। तो यह कुछ इसके फ्रंट डोर की लुक। डोर ओपनर उसी तरह कार्बन फाइबर फिनिश। और यहाँ पर आ जाए तो पावर विंडो मिल जाएगी आपको, उसके साथ साथ यहाँ पर बॉटल होल्डर, स्पीकर। और यह कुछ इसके डैशबोर्ड की लुक जो कि यार नंदालेस काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। 2015 मॉडल है ये गाड़ी। ORVM पे साइड टर्न सिग्नल मौजूद है, हाइब्रिड की बैजिंग, 15 इंच अलॉय व्हील्स। और ये है कुछ इसकी इस साइड से फ्रंट प्रोफाइल जो कि यार काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। चलिए अब इसका विंडो बंद करते हैं और आपको इसका इंजन दिखा देते हैं। और ये है इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ पावर एंड टॉक प्रोड्यूस करता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके ईजिली देख सकते हैं। 1.5 के साथ आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल रही है जिसकी वजह से इस गाड़ी में पावर भी जो है वो काफ़ी अच्छी मौजूद है। उसके साथ साथ जो एवरेज है वो आपको इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी मिलेगी। अराउंड आप कह सकते हैं कि 18 से लेकर 24 की आपको एवरेज मिल सकती है इस गाड़ी से, डिपेंड करता है कि आप किस तरह ड्राइव करते हैं इस गाड़ी को। बाकी आप देख सकते हैं इसका इंजन एरिया, आपको थोड़ा डिटेल से दिखा देता हूँ।
आप देख सकते हैं। मैंने कहा डीपली आपको दिखाऊं ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके इस वीडियो से। अगर आप बाई करने में इंटरेस्टेड है तो ये तल्हा मॉडल पे फॉर सेल अवेलेबल है, वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल भी बता दूंगा। चलिए व्यूअर्स, हम इस गाड़ी के इंटरव्यू में चलते हैं और वहाँ जाके आपको इस गाड़ी की बाकी की इन्फॉर्मेशन बताते हैं। व्यूअर्स, हम इस गाड़ी के इंटरव्यू में आ चुके हैं। सबसे पहले इसके स्टेयरिंग व्हील तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं मल्टीफंक्शनल स्टेयरिंग व्हील है, टोयोटा का लोगो, SRS एयरबैग, यहाँ पे आपको सिल्वर ट्रिम दी गई है और इस तरफ आपको हेडलाइट के रिलेटेड कंट्रोल्स मिलेंगे, दूसरी तरफ वाइपर के रिलेटेड कंट्रोल्स और ये कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आपको साथ दिखा देंगे। और डैशबोर्ड की बात करें तो यार नो डाउट डैशबोर्ड की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर जो कार्बन फाइबर फिनिश दी गई काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है अंदर से इंटीरियर को। और हेजलाइट का बटन और यहाँ पे एसी वेंट्स आप देख सकते हैं। और अगर हम नीचे आ जाएँ तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा जो कि कंट्रोल भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। और आ जाएँ तो बैक भी मेरे देख सकते हैं, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आप व्यू भी देख सकते हैं। और सनशेड ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ भी आपको दिखा देता हूँ, दोनों में बैटरी मोड मौजूद नहीं है। लाइट देख सकते हैं ऊपर। और इसकी की बात करें तो आप देख सकते हैं सिंपल सी की है, लॉक और अनलॉक का फंक्शन है। इस तरफ आपको टोयोटा का लोगो मिलेगा और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं की लगाते हैं और ये देख सकते हैं आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 180 लिमिटेड है, 6000 RPM मिलेगा और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है चार्ज, इको और पावर की। जैसे आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे जैसी बात है गाड़ी पावर में चली जाएगी और जैसे ही आप रेस छोड़ेंगे इसकी जो बैटरीज है ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाएंगी। फ्यूल दिखा रहा है कितना है, उसके साथ साथ गाड़ी दिखा रहा है गाड़ी कितना चल चुकी है, 141,404 किलोमीटर। आउटसाइड टेम्परेचर अभी 17 डिग्री सेल्सियस है, सारी चीज़ें दिखा रही है। और एसी वेंट की तरफ आए तो आप देख सकते हैं एसी वेंट का डिज़ाइन, आप इस तरह क्लोज भी कर सकते हैं और ये ओपन। और कार्बन फाइबर फिनिश देख सकते हैं, इधर भी डैशबोर्ड में पूरी कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है जो कि राउंड द चल रही है फ्रंट। और यहाँ पे आपको रिट्रैक्टेबल आउटसाइड मिरर मिल रहे हैं, उसके साथ साथ हेडलाइट के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और डोर की तरफ आएँ तो डोर ओपनर और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी विंडो जो है वो ऑटो हैं, विंडो लॉक का बटन, डोर लॉक अनलॉक का बटन, नीचे बॉटल होल्डर, स्पीकर। डैशबोर्ड का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। और एसी को यहाँ से ऑन कर लेते हैं, पहले डोर को बंद करते हैं और एसी को ऑन करते हैं और देखते हैं भाई क्या इसकी परफॉर्मेंस है। वैसे अभी ये सर्दियाँ आ गई हैं तो उस तरह चेक तो नहीं हो सकता। फ्रंट ये डिफॉगर के बटन है, उसके साथ साथ आपका वहाँ कहाँ चाहिए यहाँ से आप ऑटो कर सकते हैं, उसके साथ साथ ऑफ कर सकते हैं इसी को। नीचे दो अदद कप होल्डर मौजूद हैं, एडमिटर और नीचे में गाड़ी। और यहाँ पे आ जाएँ तो कुछ मोड्स दिए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, इको मोड है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ईवी मोड, ईवी मोड में आपकी गाड़ी फुल इलेक्ट्रिक पावर चलेगी। इको मोड में आपको जो एवरेज है वो अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी गाड़ी। उसके साथ साथ हैंड ब्रेक दी गई है मैनुअल। और अगर हम आर्मरेस्ट ओपन करें तो ये आप देख सकते हैं इसमें अच्छी स्पेस मौजूद है। और सीट्स की बात करो, सीट्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी, फैब्रिक वैसे भी जो जापानीज़ गाड़ियों का फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा होता है और जैसी सी बात है भाई ये भी जापानीज़ है तो फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और वे बाइक चलते हैं और आपको इस गाड़ी की फुल डिटेल लेते हैं। उससे पहले आपको मैं ये दिखाया था इसका ग्लव बॉक्स और नीचे भी ये दोनों इसके ग्लव बॉक्स हैं, अच्छी स्पेस मौजूद है दोनों में। चलें अब बाइक चलते हैं। चलिए बस अब इस गाड़ी की डिटेल की बात कर लेते हैं। ये टोयोटा फील्डर 1.5 लीटर हाइब्रिड है और अगर हम मॉडल की बात करें 2015 मॉडल है, 2021 की इंपोर्ट है। और अगर हम प्राइस की बात कर चलें तो भाई इसकी जो प्राइस है वो है 27 लाख रुपए। जिस बंदे ने बाई करनी है यहाँ पे विजिट कर सकता है तल्हा मोटर्स पे, यहाँ पे फॉर सेल अवेलेबल है। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इजीली इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए बस उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे चाहे आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। और आपने इसी तरह की वीडियोज़ देखनी है डिफरेंट कार्स की तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, आपके लिए हम डिफरेंट कार्स के रिव्यू लेके आएंगे। चलें आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।